नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 28 अगस्त 2022, और यहां पर कल यानी कि मंडे के लिए, सोमवार के लिए 29 अगस्त 2022 के लिए कुछ स्विंग कॉल लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन किस सीरीज में, देखो और सीखो। कहने का मतलब है कि आपको लेवल निकालना चाहिए, किस तरह से लेवल निकालना चाहिए, किस तरह से स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए, पिक करना चाहिए, ये चीजें मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो जानते हैं कि किस तरह से चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है, आप देखिए। इसमें आपके लिए अर्निंग का भी प्रोसेस हो सकता है कि अगर वो लेवल अचीव होता है, लेवल आता है, तो आपको वहाँ पे एक पोजिशन बन सकता है बाइंग का, और देन स्टॉप लॉस और टारगेट वैलिड हो जाएगा। और लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो स्क्रीन पर नजर रखिए, मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा। लेकिन फिर से बता दूं कि अगर जो लोग लाइव ट्रेडिंग रूम के शौकीन हैं वो मेरे सितंबर मंथ के लिए वो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू लाइव ट्रेडिंग रूम सितंबर 2022 के लिए। और अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग रूम में रहना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्विंग कॉल्स मिलते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होगा fire/blue-angel-1-0-3-1 में या सैमको में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखिए कौन सा स्टॉक्स मैं यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे जो स्टॉक्स है उसको हटा दीजिए, आप छोड़ दीजिए उस स्टॉक को। मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक दूंगा, उसका नाम है TEMBO, टेम्बो ग्लोबल। अब देखिए स्टॉक्स का नाम बहुत कम ही आप लोग के रडार पर आता होगा, टेम्बो ग्लोबल। तो मैं यहाँ पे पेन टूल को ले आता हूँ, है ना। उसके बाद अब आप दोस्तों सबसे पहले सिलेक्शन का रीजन समझिए कि आखिर टेम्बो में ऐसा कौन सा हीरा जवाहरात जड़ा हुआ था जिसके वजह से मैंने टेम्बो को सिलेक्शन किया है। इंजीनियरिंग कंपनी है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाता है। मैं इसके अगर आपको वेबसाइट दिखा दूँ तो चलिए सर हम देखते हैं कि क्या बनाती है। देखिए हम लोग फंडामेंटली भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ। टेम्बो ग्लोबल स्टॉक्स का नाम है, क्या नाम है, टेम्बो ग्लोबल। और मैं आपके स्क्रीन पर भी लिख दूंगा जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना होगा, TEMBO, टेम्बो ग्लोबल, ये है शेयर का नाम, ठीक है। इस पे नजर रखना क्या करते हैं। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और ये पीला कलर जो इंजीनियर लोगों का, तो ये टोपी भी इंजीनियर लोगों का ही लगा होता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ये वाला टोपी। चलिए ये तो समझ में आ गया, थोड़ा नीचे देखते हैं कि और भी नीचे में कुछ है क्या इसके पास, जिससे हम लोगों को कुछ आइडिया मिल सके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सप्लोर टेम्बो पे क्लिक करना होगा। अगर एक्सप्लोर टेम्बो पे क्लिक करते तब हमें पता चलता है कि ये करती क्या क्या है। तो राइट इशू ओपन है 5 सितंबर से इसका नया, और इशू प्राइस का 100 रुपये का भाव पे हो रहा है। देखिए ये 100 रुपये के भाव पे ला रहा है टेम्बो ग्लोबल, और 76 या 70 रुपये के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। तो एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें स्विंग कॉल से मतलब है अभी फिलहाल। अब देखिए इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, ये भी देखिए, फायर फाइटिंग, मतलब जितने भी काम होते हैं फायर फाइटिंग वगैरह, रबर, यू बोल्ड लाइनिंग, इस पर क्लिक करके आप देखते जाइए। आपको मैंने वेबसाइट दिखा दिया है, टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है, बहुत सारा मल्टीपल काम है इसके पास में। अब इनके अलावा हमें टेक्निकली देखना है, मैं तो टेक्निकल आदमी, तो मैं तो टेक्निकल बातें करूंगा। तो हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं, तो जरा चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, अच्छा 119 रुपये का भाव पे चल रहा है, और 100 रुपये का ये ऑफर फोर्स सेल लाया हुआ है ना, यानी 100 रुपये पे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक्स एक समय हाई क्या था, 345 रुपये का या 32 रुपये का, कितने का, 6 अक्टूबर 2021 के आसपास इसका अगर आप हाई देखते हैं तो 330 रुपये का हाई था, जबरदस्त हाई था, मतलब बहुत बड़ा जबरदस्त हाई था। कितना, 3 अक्टूबर, कहाँ से चला, तो भाई कोरोना कोविड के समय से जब घूमा मार्केट ऊपर गया, स्टॉक 80 से लेके चला गया 300 रुपये तक, वापस स्टॉक में करेक्शन आया तो मार्केट भी करेक्ट हुआ और नीचे आता चला गया, और एक लो प्राइस इसने डेवलप कर लिया अपना, एक लो प्राइस को इसने नीचे में डेवलप कर लिया। और उस लो प्राइस का अगर हम भाव मान के चलते हैं तो पकड़ के चले तो 100 के आसपास, 104 रुपये के आसपास में वो भाव आता है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है आपको समझना है कि ये जब लो बना रहा था ना, ये जब लो बना रहा था तो इसने एक चीज यहाँ पे शो किया,
क्या शो किया, आप ये समझिए ये क्या शो कर रहा है कि हम जो लो बना रहे हैं ना, हम उस लो के नीचे जाने को तैयार नहीं है। यानी ये जो रेड कैंडल का लो है उसके नीचे देखिए ना ग्रीन कैंडल गया, ना ये रेड गया, ना ये रेड गया, कोई भी रेड कैंडल नहीं गया, माने कोई भी कैंडल इस लो के नीचे में नहीं गया। तो यहाँ वाला जो प्राइस है ना एक तरह से अपने आप को प्रूव कर रहा है कि हम एक अच्छा सपोर्ट है। कितना, 100 रुपए के भाव पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। स्टॉक वहां से हाई लगाता है 180 के आसपास, आप देखें शानदार तरीके से 180 के आसपास में इसने रैली अपना दिखाया। क्लियर है ना यहाँ से, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें पता होता है कि कब एंट्री करना, हम लोगों को पता तो ये करना है ना कि एंट्री कब करना। तो स्टॉक जब नीचे आ रहा होता है तो नीचे RSI वगैरह देखेंगे ना तो काफी ज्यादा पिटा हुआ, 30 के बिलो चला गया था इंडिकेटर। अब वहां से फर्स्ट टाइम RSI में पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन हटा के यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप RSI देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम RSI ने अपने आप को इंडिकेशन दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं 30 के ऊपर जाने का, यानी ओवरसोल्ड से अब ये इसमें बाइंग एक्टिवेट हो रहा है। वो रीजन इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूज वॉल्यूम, और इतना वॉल्यूम अगर आप इसके पिछले एक साल में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ह्यूज वॉल्यूम, मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, बहुत ज्यादा है ना। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम आ गया, इतना क्या वजह, किस वजह से भाई, या रसगुल्ला मिल रहा है यहाँ पे इतने ज्यादा वॉल्यूम आ गया, या मिठाई बट रहा है जो इतना वॉल्यूम आ गया, नहीं, यहाँ पे सेंटिमेंट बदलता हुआ दिख सकता है। हो सकता है यहाँ पे सेलर सेंटीमेंट बदल के बायर सेंटीमेंट बन जाए, इस वजह से यहाँ पे इतने ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन पता कैसे चलेगा ये सही वॉल्यूम है या नहीं, हमें थोड़ा सा देखना होगा कि क्या टेक्निकल और भी कुछ इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इसको और फिर छोटा करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि एक लो तो यहाँ पे बना, दूसरा जब ये ह्यूज वॉल्यूम, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया तब वो अपने प्रीवियस लो से ऊपर ही उछला, प्रीवियस लो को भी क्लेम नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं प्रीवियस लो को क्लेम नहीं कर पाया और वहीं से ये कहीं ना कहीं बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ। अब ये ट्रेंड लाइन भी आप समझिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, यही ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम किया, ऊपर चला गया, फिर उसी पर सपोर्ट ले रहा है। इसका अंदर ये ट्रेंड लाइन को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है। लेकिन सिर्फ इतना से नहीं होगा, क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन को जब हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो और भी चीजें देखने को पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम था जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए हम इसके ऊपर भी तो यहाँ नहीं जा पाए थे तो रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे वो सपोर्ट हो गया। अब वापस से हम क्या देख रहे हैं कि एक और ट्रेंड लाइन को पकड़ लेते हैं यहाँ से और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक वेज पैटर्न बन गया, ये हमारा कौन पैटर्न बन गया, वेज पैटर्न बन गया, फॉलिंग वेज, ये गिर रहा है ना वेज। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि अब इस वेज पैटर्न का स्पेस कम हो गया, क्या हो गया, स्पेस बहुत ही कम हो चुका है, स्पेस ना के बराबर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और अपने इस ट्रेंड लाइन ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसके आसपास में कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ स्टॉक दिखा रहा है। किस चार्ट पे, तो डेली के चार्ट पे, किस चार्ट पे, डेली चार्ट पे। अब देखिए डेली के चार्ट पे भी आप सिनेरियो समझिए कि एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आ गया, अभी तक का इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था। दूसरा क्या बना रहा है, एक लो के ऊपर दूसरा लो ऊपर में बना रहा है, यानी कि एक लो बना लोअर हाई बना रहा है ना, या इसको आप हाइयर लो बोल सकते हैं, या एक लो यहाँ बना उससे ऊपर वाला लो यहाँ बना रहा है। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, हाइयर लो बन गया ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव, जैसे ये वन लो था, मान लीजिए ये 100 रुपए था और ये मान लेते हैं कि 102 रुपए था, इसका मतलब ये 2 पॉइंट का ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। हालांकि और भी ज्यादा मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर इस बार ऊपर जाता है तो फिर एक बार लो जो बनाएगा तो इससे ऊपर बनना चाहिए लो, क्या है, इससे डायरेक्शन ऊपर मिलना चाहिए। इस तरह से ट्रेजेक्टरी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तब ये नजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये चीज हमें समझ में आ गया कि टेक्निकली स्टॉक में गिरावट था, जो उस गिरावट को वो एग्जॉस्ट कर रहा है, मतलब क्लियर करता हुआ चल रहा है, साथ ही एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था स्टॉक में। आप देखिए यहाँ पे क्या किया, राउंडिंग टॉप है ना, एक टॉप, एक बॉटम यहाँ, दूसरा बॉटम यहाँ और एक यहाँ पे टॉप लगा, तो ये राउंडिंग टॉप, राउंड किया टॉप पे इस तरह से, तो ये राउंडिंग टॉप है। राउंडिंग टॉप ना एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है, एक रिवर्सल कैसे होता है, देखिए जब यहाँ से ये बॉल गिरा ना तो बॉल बाउंस भी करेगा, ठीक है, जब यहाँ से बॉल गिरा तो बॉल बाउंस भी करेगा, तो बॉल बाउंस करने का यहाँ पे वो लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें बाइंग करना होगा किसको, टेम्बो ग्लोबल को, मैं अगेन स्टॉक के नाम लिख दूं, जो लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, टेम्बो ग्लोबल, क्या है स्टॉक का नाम, टेम्बो ग्लोबल, टेम्बो ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपनी। तो यहाँ पर हमें
आगे का व्यू नजरिया रखना है कि किस जगह पे हमारी बाइंग एक्टिवेट होगी और क्या हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और क्या टारगेट होगा। तो देखिए मैंने नोट करके जो रखे हैं टेम्बो ग्लोबल में, वो हम 122 रुपए के ऊपर खरीदेंगे। कितना के ऊपर खरीदेंगे? बाय अबव 100 डबल 2, 122 के ऊपर खरीदना है। और स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो देखिए जो यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया था, हमें वही स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वो स्टॉप लॉस आप ना भी लेना चाहें तो ऐसे वो स्टॉप लॉस 100 का बनता है। अगर ये आप नहीं लेना चाहें तो आप 110 रुपए का भी एक स्टॉप लॉस छोटा वाला लगा सकते हैं, 110 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और जो इस कंडीशन में टारगेट बनेगा ना दोस्तों, वो टारगेट बनेगा आपके पास टेम्बो ग्लोबल में 134 का। पहला टारगेट 134 रुपए का, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा टारगेट आपको 150 रुपए के आसपास में आता हुआ मिल सकता है, यानी 134 और 150, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। लेकिन कंडीशन है कि जब तक 122 के ऊपर ना निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाना। और मैं फिर से बता दूं, ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज वाला है। मैंने सारे लेवल समझाया ना, तरीका लेने का बताया, क्यों सिलेक्शन किया ये बता दिया, क्यों रिवर्सल आ रहा है वो बता दिया। तो ये एजुकेशनल है, आप बिल्कुल अगर उस लेवल पर आता है तो आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए और तब आप जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो पैसा लगाइए। और आप देखिए 122 के ऊपर मेरा रिसर्च ये बोलता है कि 122 के ऊपर जब निकलेगा तभी इसमें ऊपर के साइड का मूवमेंट बनेगा। स्टॉप लॉस 110 का लगाएंगे, टारगेट 134 से 150 का रहेगा। ये छोटा टारगेट हो गया। अगर मैं बड़े टारगेट की बात करूं, बिग टारगेट की बात करूं, तो बिग टारगेट मेरा होगा 160 से 180, 160 रुपए से लेकर 180 रुपए तक का भी टारगेट बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो टेम्बो ग्लोबल एक अच्छी कंपनी दिख रही है यहाँ पे, हम मुझे चार्ट वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है, टेक्निकल बहुत अच्छा दिख रहा है, और साथ ही ग्लोबल सिनेरियो अगर मैच कर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो ये एनालिसिस है दोस्तों, और एनालिसिस को पसंद करना आपका कर्तव्य है, जरूर पसंद करिए। डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। दूसरी बात कि अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए तो आपको पता ही है, सैमको फायर सेल एच ब्लू एंजल 10 किसी एक में अकाउंट ओपन कराना है, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।